Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेन के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं उसके बारे में, जो सीमेन सैम्पल होता है इसका हम कन्फर्मेशन कैसे करते हैं कि अगर किसी भी क्राइम सीन पर हमको कोई सैम्पल मिल रहा है तो वो कन्फर्म करने के लिए कि ये सीमेन का सैम्पल है या नहीं है उसके लिए कौन कौन से कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसमें जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कॉम्पोजिशन वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सारे ही देख रखे होंगे। अब आज जो है हम इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियोज़ में कहीं ना कहीं कवर नहीं हो पाई हैं उनको भी आज के इस वीडियो में ही हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं तो ये आपके चार तरह के हो सकते हैं, जहाँ पर एक तो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सेकेंड होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसवीएसए होता है आपका सेमिनल विजाइकल स्पेसिफिक एंटीजन, और चौथा होता है आपका आरएनए बेस्ड एसे। तो ये आपके चार तरह के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं और ये करने के लिए मेजर चार चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं। ये सारे कन्फर्मेशन के लिए, मतलब पीएसए है, एसवीएसए है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, आरएनए बेस्ड एसे है, तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए, ये सारे कन्फर्मेशन करने के लिए हम तीन तरह की चीज़ें करते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका रेडियो इम्यूनो एसे, दूसरा होता है एलिसा और एक होता है आपका एलडीएच आइसो एंजाइम। तो ये सारी चीज़ों का हम कन्फर्मेशन करते हैं, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम टेस्ट करते हैं और इससे हमको सीमेन सैंपल की प्रेजेंस का कन्फर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, तो हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग जो होती है ये फैसिलिटेट करती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को, और ये आपका जो क्रिसमस ट्री स्टेन होता है ये काफ़ी आपका फेमस है और आपने हर बार कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा अगर सीमेन का एग्जामिनेशन करना है तो उसमें क्रिसमस ट्री स्टेन जो रहता है ये नाम आपने कई बार सुन रखा होगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि क्रिसमस ट्री जो रहता है वो दो शेड में होता है, कुछ उसी तरह से यहाँ पर जो सीमेन सैंपल होता है इसको हम दो डाई का यूज़ करते हुए स्टेन करते हैं और उसकी थ्रू जो स्पर्म होते हैं उनका जो हेड होता है उनका अलग कलर हो जाता है और जो टेल वाला पोर्शन होता है उनका अलग कलर हो जाता है। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, एक तो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फास्ट रेड जिसको NFR कहते हैं। तो एक डाई जब हम ये अप्लाई करते हैं तो जो हेड वाला पोर्शन होता है स्पर्म्स का वो रेड कलर शो करता है, एंड ये बेसिकली स्टेन क्या करता है, जो न्यूक्लियाई अवेलेबल होता है स्पर्मेटोजोआ में वो उसमें एल्यूमिनियम आयंस की प्रेजेंस की थ्रू वो रेड कलर का हो जाता है। तो न्यूक्लियर फास्ट रेड जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनके हेड को रेड कलर से स्टेन कर देता है। सेकेंड होता है आपका, जो सेकेंड डाई यूज़ करते हैं वो होता है आपका पिक्रो इंडिगो कार्मीन। तो जो पिक्रो इंडिगो कार्मीन होता है ये जो रहता है नेक एंड टेल वाले पोर्शन को कलर करता है और ये यूजुअली ग्रीन और कई बार हल्का सा ब्लूइश शेड देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर जो एक्रोसोमल कैप होता है एंड जो न्यूक्लियस स्टेन होता है वो पिंकिश रेड कलर में होता है, एंड जो टेल होती है या मिड पीस होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये दो शेड आपको देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इस टेस्ट को हम बोलते हैं क्रिसमस ट्री स्टेन। और ये आपका जब हम इस तरह से टेस्ट करते हैं फिर इसके बाद में माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो वहाँ पर हमको दोनों कलर्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। यहाँ पर आप इस जो इमेज लगी हुई है इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट हाँ जब आप एक्चुअल में करोगे तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, इसके लिए हम दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक तो हो गया आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे, दूसरा हो जाता है आपका एलिसा। जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे होता है इसमें इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक की किट्स आती हैं, उन किट का यूज़ करते हुए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक हमको एंटी ह्यूमन पीएसए एंटीबॉडी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो एंटी ह्यूमन पीएसए एंटीबॉडी होता है इसका यूज़ करते हुए ही हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे को
परफॉर्म कर पाते हैं। जो सेकेंड होता है एलिसा, ये बेसिकली पीएसए में जो एंटी पीएसए एंटीबॉडीज होती हैं इनको डिटेक्ट करता है। और यहाँ पर ये जो आपका एलिसा टेस्ट होता है ये स्पेसिफिक भी बहुत होता है, हाईली सेंसिटिव भी होता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। तो इस वजह से एलिसा को, क्योंकि सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसका यूज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। बट इसका जो अगर ड्रॉबैक होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे है और जो एलिसा है किस तरह से होता है, क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर ना लिखा हुआ है, इसका डायग्राम भी लगा हुआ है। आप लोग चाहिए तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, इसके डिटेल में इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना जानना ज़रूरी नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें आपका जो पीएसए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एक हो जाता है आपका यहाँ पर एलिसा, दूसरा हो जाता है आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद में कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर रह रही थी उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब इसमें बचा क्या था, जैसे कि एक तो चीज़ हो गई थी आपकी कि कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम जो आपका क्रिसमस ट्री स्टेन होता है इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम न्यूक्लियर फास्ट रेड और पिक्रो इंडिगो कार्मीन स्टेन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेकेंड जो था आपका वो था आपका आइडेंटिफिकेशन पर्पस से, एक तो था आपका एलिसा, दूसरा था आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं और यहाँ पर LDH आइसो एंजाइम, ये चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी कन्फर्मेशन के लिए करते हैं और ये इसका यूज़ करते हुए हम PSA और SVSA दोनों का ही कन्फर्मेशन कर सकते हैं इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर ये जो आपका PSA होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसको हम P30 प्रोटीन भी कहते हैं। अब इसको हम P30 प्रोटीन क्यों कहते हैं, इसका रीज़न प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। अब इसके लिए मतलब इसके कन्फर्मेशन के लिए हम एलिसा भी कर सकते हैं और हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो वसेक्टोमी या फिर एजियोस्पर्मिया वाला सैंपल अगर हमको मिलता है, वसेक्टोमी का मतलब होता है कि जो सैंपल है वहाँ पर आपका स्पर्मेटोजोआ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे, और जो एजियोस्पर्मिया वाली कंडीशन होती है उसका मतलब होता है जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ये दोनों ही कंडीशन भी अगर हैं तो उसमें भी आपका PSA और P30 प्रोटीन तो अवेलेबल होगा ही होगा, मतलब PSA हम बोलें या P30 बोलें तो ये तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो इसके थ्रू हम ये चीज़ तो कंफर्म कर ही सकते हैं कि जो भी आपके पास सैंपल मिल रहा है वो सीमेन सैंपल है या नहीं है। तो ये तो हो गया आपका PSA। इसके अलावा एक होता है आपका SVSA, सेमिनल वेसिकल स्पेसिफिक एंटीजन, इसमें आपका होता है एक MHS, एक सेकेंड, इसमें होता है आपका MHS5 जिसको कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलते हैं, और इसमें जो मेजर जेल प्रोटीन होता है वो होता है आपका सेमिनोजेलिन। और ये सेमिनोजेलिन दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी सेमिनोजेलिन 1, एक होती है आपकी सेमिलोजेलिन 2। तो SVSA में एक तो आपका MHS5 इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है, दूसरा मेजर जो जेल फॉर्मिंग प्रोटीन होता है यानी कि जो सीमेन सैंपल है वो अगर आपको जेल का स्ट्रक्चर उसमें दिखता है तो वो उसमें SVSA में एक प्रोटीन अवेलेबल होती है जिसकी वजह से उसका जो फॉर्मेशन होता है वो जेल के फॉर्म में होता है, और ये प्रोटीन कौन सी होती है आपकी सेमिनोजेलिन 1 एंड 2। दोनों में जो होते हैं आपके SVSA में होते हैं एंड ये रिकॉग्नाइज करे जाते हैं मोनोक्लोनल MHS5 एंटीबॉडी की थ्रू। तो जो मोनोक्लोनल MHS5 एंटीबॉडी होती है इसको इसके थ्रू हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये चीज़ हो गई।
इतना हो गया हमने कंफर्मेशन की बात कर ली। अब जब हमको ये पता चल जाता है कि जो सैंपल हमको मिल रहा है वो सीमेन ही है, तो सीमेन सैंपल से हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना होगा। तो इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए हम सीमेन सैंपल का यूज़ करते हुए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लड का यूज़ करते हुए ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, सेम वैसे ही सीमेन सैंपल का यूज़ करके हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो उस कंडीशन में जो हमको एंटीजन मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वहाँ पर एंटीजन मिलेगा ए प्लस एच, बी है तो बी प्लस एच, ए बी है तो ए प्लस बी प्लस एच, ओ है तो सिर्फ एच। तो ये जैसे कि हम ब्लड का ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, सेम उसी तरह से जो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसी तरह से सीमेन का यूज़ करते हुए जब हम ब्लड ग्रुपिंग करेंगे तो उसके भी रिजल्ट्स वैसे के वैसे आएंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप ये है, मतलब इसमें से कोई है, तो उसमें जो एंटीजन होगा उसमें ये सारे एंटीजेंस अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं सिक्रीटर्स, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं नॉन सिक्रीटर्स। तो जहाँ पर जो सिक्रीटर्स होंगे उसमें ये सारे एंटीजेंस आपको सब देखने को मिलेंगे, बट जो नॉन सिक्रीटर्स होते हैं उसमें ये एच वाला देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब ये सिक्रीटर और नॉन सिक्रीटर क्या होता है इस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो सीमेन सैंपल होता है इसके थ्रू हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में हो गया। अब प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उनको यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि जो सीमेन सैंपल होता है इसकी जो पीएच होती है वो 7.2 से लेकर के 8 के बीच में होती है, यानी कि ये एल्केलाइन नेचर का होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी विजुअल एग्जामिनेशन की, तो कुछ अल्टरनेट लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं। ये अल्टरनेट लाइट सोर्स क्या क्या होते हैं, एक तो हमने बात करी थी यूवी लाइट की। यूवी लाइट में क्या रहता है, जो सीमेन सैंपल होगा वो आपका स्काई ब्लू फ्लोरोसेंस को शो करेगा। नेक्स्ट होता है आपका वुड लैम्प, इसमें जो हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर की यूज़ करेंगे। यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर ऑइंटमेंट्स और क्रीम का हम वुड लैम्प के थ्रू देखेंगे तो वहाँ पर आपको सीमेन के साथ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स होते हैं वहाँ पर भी आपके कुछ ऐसे केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जो केमिकल आपको सीमेन सैंपल में देखने को मिलेगा, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक होती है आपकी ब्लू मैक्स BM 500, और ये जो रहता है ये काफ़ी सेंसिटिव होती है सीमेन सैंपल के लिए, ये आपका 100% सेंसिटिविटी शो करती है। इसके अलावा एक होता है आपका पॉलीलाइट, पॉलीलाइट के लिए आपका जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो 415 से लेकर के 650 नैनोमीटर तक की हम यूज़ करते हैं। ये हो गया आपको अल्टरनेट लाइट सोर्स का। इसके बाद में कुछ आपके यहाँ पर क्रिस्टल टेस्ट करे जाते हैं। क्रिस्टल टेस्ट में क्या होता है आपका, एक होता है फ्लोरेंस टेस्ट। फ्लोरेंस टेस्ट जो है ये डॉक्टर फ्लोरेंस ने 1886 में इसके बारे में बताया था। तो इसकी डिस्कवरी डॉक्टर फ्लोरेंस के द्वारा 1886 में हुई थी। यहाँ पर करते क्या है, सैंपल लेंगे, सैंपल पे हम आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर हमको कोलीन पर आयोडाइड के क्रिस्टल्स हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो सीमेन में अवेलेबल कोलीन को क्रिस्टलाइज करता है। तो कोलीन के क्रिस्टलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे वो कोलीन पर आयोडाइड के मिलेंगे। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये निडल शेप में होते हैं, कुछ रोमडोइडल शेप टाइप का क्रिस्टल होता है यहाँ पर, और ये ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे ब्राउन होंगे और रोमडोइडल। तो यहाँ पर अगर रोमडोइडल बोला जा रहा है तो भी आपका सही होगा, और निडल शेप बोला जा रहा है तो भी आपका सही हो जाएगा। तो एक टेस्ट हो गया आपका फ्लोरेंस टेस्ट, क्रिस्टल टेस्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड है आपका यहाँ पर बारबेरियो टेस्ट।
ये जो बारबेरियो टेस्ट होता है इसके बारे में साइंटिस्ट थे बारबेरियो, उन्होंने ही 1905 में इसके बारे में बताया था। यहाँ पर क्या करते हैं, 7 सैंपल लेंगे, उसके ऊपर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड को अप्लाई करेंगे। जब हम पिक्रिक एसिड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो सीमेन होता है, सीमेन में स्पर्मीन अवेलेबल होता है, वो पिक्रिक एसिड की वजह से क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो मिलेंगे स्पर्मीन पिक्रेट। ये जो क्रिस्टल्स मिलेंगे ये स्पर्मीन पिक्रेट के क्रिस्टल्स होंगे और ये आपके येलो कलर के निडल शेप के क्रिस्टल्स होंगे। तो इतना हो गया। इसके बाद में एक टेस्ट आता है आपका पुनेंस टेस्ट। पुनेंस टेस्ट में क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के ऊपर हम नैप्थॉल येलो इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। पुनेंस टेस्ट में सैंपल के ऊपर हम नैप्थॉल येलो एस अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ऑरेंज क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक होता है आपका फॉस्फेटेज मेथड। फॉस्फेटेज में क्या होता है, जैसे सीमेन सैंपल आपका किसी भी सरफेस पर है, मान के चलिए किसी क्लॉथ पे है, तो उस क्लॉथ के ऊपर जो सीमेन सैंपल है उसके ऊपर हमको एक वेट फिल्टर पेपर, यानी कि वेट कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर को सलाइन सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो फिल्टर पेपर जो होगा वो वेट हो जाएगा। तो उस फिल्टर पेपर को सैंपल के ऊपर रखना है और उस पर प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करना है ताकि जो क्लॉथ पे जितना भी सैंपल है वो थोड़ा सा आपका ट्रांसफ़र होकर फिल्टर पेपर पे आ जाए। जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर उसमें हम एसिड फॉस्फेटेज रिएजेंट को अप्लाई करेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। तो उसमें हमको रेड पर्पल कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे तो ये फॉस्फेटेज की प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा। इतनी चीज़ें हो गई। उसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, जो सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। उसमें हम क्या कर रहे थे, अल्फा नैप्थल फॉस्फेट अप्लाई कर रहे थे तो हमको डार्क पर्पल कलर शो हो रहा था जो कि कंफर्म कर रहा था कि ये सीमेन सैंपल है। अब ये जो सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है इसे कुछ अदर नाम होते हैं, अदर नेम्स होते हैं। एक होता है वॉकर टेस्ट और दूसरा होता है ब्रेंटामीन स्पॉट टेस्ट। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में वॉकर टेस्ट के नाम से और ब्रेंटामीन फॉस्फेट स्पॉट टेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट बोलें या वॉकर टेस्ट बोलें या ब्रेंटामीन स्पॉट टेस्ट बोलें, तीनों ही आपके एक ही चीज़ हैं। यहाँ पर सैंपल के ऊपर हमको अल्फा नैप्थल फॉस्फेट अप्लाई करना होता है तो हमारे पास जो एजोडाई बन के आता है लास्ट में एट द एंड वो डार्क पर्पल कलर का होता है। ये पूरी प्रोसेस कैसे क्या होता है वो हमने ना प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे टेस्ट वाला जो वीडियो था ना उसमें देखा था, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो सीमेन सैंपल होता है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये नाम आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला नाम होता है आपका ल्यूसीन एमिनो पेप्टिडेज। पहला हो गया ल्यूसीन एमिनो पेप्टिडेज। सेकेंड है आपका ग्लाइकोप्रोटीन डाइपेप्टाइल एमिनो पेप्टिडेज GAP। ये है आपका ग्लाइसिल प्रोटीन डाइपेप्टिडाइल एमिनो पेप्टिडेज। ग्लाइसिल प्रोटीन डाइपेप्टिडाइल एमिनो पेप्टिडेज। यहाँ पर जो स्टेन्स अगर आपके 24 घंटे से भी 24 साल से भी ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी ये जो एंजाइम होता है ये हमको पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है। अगर कोई ऐसा सैंपल है, कोई ऐसा केस हुआ था जहाँ पर कोई एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, 24 साल बाद भी अगर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे ना तो वहाँ पर भी जो ग्लाइसिल प्रोटीन डाइपेप्टिडाइल एमिनोपेप्टिडेज है इसकी प्रेजेंस हमको शो होगी, हमको पता चल जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कैप। कैप की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टीन एमिनोपेप्टिडेज, सिस्टीन एमिनोपेप्टिडेज। और फोर्थ है आपका यहाँ पर गामा GTP। GTP क्या है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज।
गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरीज। तो ये हो गए आपके चार तरह के एंजाइम्स जो कि सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इन एंजाइम्स का भी एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो भी हमको पता चल जाता है कि जो सैंपल हमारे पास है वो सीमेन सैंपल है या नहीं है। तो कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपका ल्यूसीन एमिनोपेप्टिडेज, दूसरा हो गया आपका ग्लाइसिल प्रोटीन डाइपेप्टाइल एमिनोपेप्टिडेज, तीसरा हो गया आपका सिस्टीन एमिनोपेप्टिडेज और चौथा हो गया आपका गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ एडिशनल ऑल्टरनेट लाइट सोर्स हमने देखे, कुछ एडिशनल क्रिस्टल टेस्ट हमने आज देख लिए हैं, फ्लोरेंस टेस्ट, बारबेरियो टेस्ट, पुरेंस टेस्ट, फॉस्फेटेज मेथड, और इसके साथ साथ हमने जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं क्रिसमस ट्री स्टेन हो गया, SVSA हो गया, PSA हो गया, रेडियो इम्यूनोएसे, ELISA, LDH आइसोएंजाइम, ये सारा कुछ देखा। साथ साथ जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा DNA प्रोफाइलिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आपको न्यूक्लियस मिलता है, तो उसके थ्रू आप DNA का प्रोफाइलिंग करके इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पूरा हमने यहाँ पर जो सीमेन सैंपल होता है उसका बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हमने नहीं देखी लेकिन यहाँ पर आपके सामने है। इतना डिटेल में जानना ना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, बट स्लाइड्स में है, आप चाहो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। अब इसके बाद में सीमेन सैंपल का पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट, कुछ क्वेरी या कुछ आपको कमी लग रही है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और आपका जो भी मैसेज रहेगा उसको कंसीडर करा जाएगा। बाकी जो PDF है वो ऑलरेडी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा इसकी कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक सिस्टमैटिक PDF भी आपको मिल जाएगी। जैसे काफ़ी सारा कंटेंट था जिसकी स्लाइड्स अवेलेबल नहीं थी, मैंने आपको लिख के बताया है, तो वो भी आपको एक PDF फॉर्मेट में, कंपाइल्ड फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या कुछ केस स्टडीज़ देखनी है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, एक बार विजिट करके ज़रूर से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।